हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली रुचि। फ्रेंड्स आज मैं अगेन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेकअप वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आज क्रिएट किया है द ग्रेट हेमा मालिनी जी के लुक को, जो कि उनका फिल्म धर्मात्मा का लुक था। एंड फ्रेंड्स ऐसे तो हेमा मालिनी जी ड्रीम गर्ल हैं और वो हर फिल्म में काफ़ी खूबसूरत लगती आई हैं, मगर फिल्म धर्मात्मा में वो काफ़ी डिफरेंट लगी थी एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी थी। तो मैंने उनके लुक को छोटी सी कोशिश की है रिक्रिएट करने की। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का लुक पसंद आएगा, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी पतंजलि का एलोवेरा जेल, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा प्राइमर का काम करता है एंड बहुत ही ज़्यादा ये हर्बल होता है, तो इससे हमें रिएक्शन भी नहीं रहता है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने फेस पे अच्छी तरह से पतंजलि का जो एलोवेरा जेल है उसे लगा लूँगी। मैं नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी इसे। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ बीबी क्रीम, बिकॉज बीबी क्रीम बहुत अच्छी कवरेज देती है फ्रेंड्स एंड हमें फाउंडेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसे लगाने से, इसलिए मैं बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से अपनी स्किन पर ब्लेंड कर लूंगी। फ्रेंड्स अब हम हमारे मेकअप को लूज पाउडर से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। लगाने जा रहे हैं ब्लश, तो मैं यहाँ पर पिंक कलर यूज करूंगी ब्लश के लिए, बिकॉज हेमा मालिनी जी के जो गाल होते थे वो बहुत ही ज्यादा पिंक होते थे और काफी ब्यूटीफुल लगते थे, तो मैं यहाँ पर पिंक शेड यूज कर रही हूँ, डार्क वाला पिंक यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर। मैं इसे अपनी चिन पर भी लगा लूंगी। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से हम आई शेडो से ही कर सकते हैं अपनी कॉन्टोरिंग। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का आई शेडो यूज कर रही हूँ एंड इसे मैं अब इस तरह से अपने नोज पर हल्का हल्का ब्रश की मदद से लगा लूंगी दोनों साइड्स। एंड फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं करना, अपनी फिंगर्स से ही इसे हमें अच्छी तरह से ब्लेंड करना है लाइक दिस। एंड इस तरह हमारी जो कॉन्टोरिंग है नोज की वो हो चुकी है। फ्रेंड्स अब बारी आती है आई मेकअप की, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाने जा रही हूँ काजल अंडर आईज में। फ्रेंड्स मैं काजल लगाऊंगी इस तरह से। देन फ्रेंड्स अब हम लगाने जा रहे हैं आईलाइनर। फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां से नीचे ले जाकर हम एक विंग सी डिजाइन बना लेंगे एंड यहां से हमें इस तरह से नीचे मिलाना है लाइक दिस। एंड फ्रेंड्स अगर ये अभी उतना नीट नहीं भी दिख रहा है तो डोंट वरी, अभी हम इसे अच्छी तरह से हम अच्छी तरह से लगा लेंगे।
तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर इसमें अच्छी तरह से इसे कलर कर लूंगी। एंड यहाँ पर हमें अच्छी तरह से लगा लेना है इसे। इस तरह से हमें आईलाइनर लगा लेना है। ये आईब्रोज को फिल कर लूंगी। एंड फ्रेंड्स अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। तो फ्रेंड्स उस समय बहुत ज्यादा डार्क शेड्स उतने ज्यादा यूज नहीं होते थे एंड काफी न्यूड से शेड्स लगाए जाते थे, तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ फेसेस कैनेडा ब्रांड की लिपस्टिक, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका लाइट सा एक शेड है, तो मैं वो लगा रही हूँ। नाउ इट्स टाइम टू डू अवर हेयर स्टाइल। तो मैं सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरह से कॉम कर लूंगी। एंड फ्रेंड्स हेमा जी ने इस फिल्म में साइड पार्टिंग की थी, तो मैं भी यहाँ पर उसी तरह से करूंगी। फ्रेंड्स हेमा जी ने इस फिल्म में उन्होंने एक अफगानी लड़की का किरदार निभाया था, तो उन्होंने उसमें एक इस तरह की एक यहाँ पर एक बैंड बांधा था पट्टी जैसा, एंड मेरे पास भी इस तरह की एक लेस है तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं ये लेस लूँगी एंड इसे मैं अपने बालों के अंदर डाल दूँगी इस तरह से। एंड यहाँ पर मैं इस तरह से ये लेस अप्लाई करूँगी एंड इसे अगेन अंदर डाल दूंगी। एंड यहाँ का इसे हम फ्रेंड्स अंदर इस तरह से डाल देंगे, जैसे अपने बालों से कवर कर लेंगे इस तरह से। एंड देन फ्रेंड्स इसके हम यहाँ पर मैं पिन से क्लिप से मैं इसे यहाँ पर अटैच कर दूंगी कि ताकि ये खुले ना, एंड ऊपर से मैं अपने बाल इसमें डाल दूंगी। नाउ फ्रेंड्स माई मेकअप इज डन। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर वेयर किए हैं ये इयर रिंग्स, मैंने यहाँ पर पहनी है ये गोल्डन मोतियों की माला एंड पीछे मैंने ये लगाया है ये दुपट्टा। एंड आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का जो लुक है वो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप वॉचिंग, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय।